पिछले कुछ सालों में आपने फैसिज्म या फासीवाद का जिक्र बहुत सुना होगा। आए दिन देश का बुद्धिजीवी वर्ग और उससे प्रभावित देश का युवा बोलने लगा कि हम फासीवाद में जी रहे हैं। असहिष्णुता, तानाशाही, फासीवाद, देश के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना प्रचलन बन गया। जिन लोगों ने फासीवाद देखा तक नहीं, वो बढ़ चढ़कर इसकी दुहाई देने लगे। और आज जब फासीवाद असल मायने में देखने को मिल रहा है, तब सब ने चुप्पी साध ली है। बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार के साथ झड़प में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह लोग केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, वैसा कुछ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के खिलाफ देखने को नहीं मिल रहा। ये मुद्दा तब उठा जब कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में बॉलीवुड माफिया को बेनकाब कर दिया। पहले उन्होंने इंडस्ट्री के नामचीन अभिनेताओं पर निशाना साधते हुए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का कारण निपोटिज्म को बताया। उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे नए आर्टिस्ट्स जो किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और तो और उन्हें ड्रग्स के चंगुल में भी फंसा दिया जाता है। आज तक किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब कंगना ने इनका पर्दाफाश कर दिया, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तो और इस बॉलीवुड माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार भी मिली हुई है। ये तब साबित हुआ जब संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्द प्रयोग किए और कहा कि वे उसे मुंबई नहीं आने देंगे। कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से की और कहा कि उन्हें मुंबई आने से डर लगता है, मुंबई पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं है और राज्य सरकार से उन्हें खतरा है। और तब शिवसेना ने मुद्दा ही पलट दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कंगना ने मुंबई का अपमान किया है, जिस शहर ने उसे सब कुछ दिया उसके प्रति वो कृतज्ञ है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तो ये तक बोल दिया कि जो लोग मुंबई और महाराष्ट्र में सुरक्षित महसूस नहीं करते, उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आज कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनका दफ्तर तोड़ दिया, जबकि हाईकोर्ट ने भी इसका विरोध किया। सोचिए, जब ये सब एक मशहूर अभिनेत्री के साथ हो सकता है, तो आप और मैं आम इंसान के साथ सरकार क्या क्या नहीं कर सकती। इन सब घटनाओं से साफ स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार कितनी तानाशाह है। प्रशासन की निंदा करने पर जिस तरह कंगना को धमकियां मिल रही हैं, उससे इनकी असहिष्णुता और तानाशाही साफ साफ दिखाई देती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ठाकरे सरकार ने कई लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। ये वही सरकार है जिसने मुंबई विश्वविद्यालय के अध्यापक योगेश सोमान के खिलाफ एक्शन लिया था जब उन्होंने राहुल गांधी की निंदा की थी। और वो लोग जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताते हैं, उन्होंने कभी ठाकरे सरकार पर सवाल नहीं उठाया। जब नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसे बॉलीवुड के बड़े और प्रसिद्ध अभिनेता ये बोलते हैं कि वे इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते और भारत को फैसिस्ट देश बोलते हैं, तब किसी को तकलीफ नहीं होती, उल्टा तब सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोगों को ना कभी धमकियां मिली, ना उनके घर तोड़े गए, ना उन्हें बोला गया कि देश छोड़कर चले जाओ, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करती है। और वहीं दूसरी ओर जब एक अभिनेत्री मुंबई के प्रशासन पर सवाल उठा रही है, तब ये बोला जा रहा है कि वो मुंबई का अपमान कर रही है, उसका दफ्तर तोड़ा जा रहा है, उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार और प्रशासन की निंदा करना राज्य की निंदा करना नहीं होता। और तो और देश में लाखों लोग मोदी और अमित शाह की इतनी निंदा करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं। हम में से कोई भी बिना किसी खौफ के केंद्र सरकार का विरोध कर सकता है, उसके लिए हमें कभी कोई धमकियां नहीं मिलती। लेकिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाज़ उठाने पर क्या हश्र होता है, इसका नज़ारा हमारे सामने ही है। इन सब घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि असल में तानाशाह कौन है, असहिष्णुता किसके अंदर है। इससे ये भी पता चलता है कि बॉलीवुड लॉबी का क्या एजेंडा है।
जब भी कोई अभिनेता भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की अवहेलना करता है तब उसकी बढ़ाई की जाती है, और अगर कोई नरेंद्र मोदी के पक्ष में कुछ बोल दे तब सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। अब समय आ गया है कि हम इनके एजेंडा और विचारधारा को समझें, उसका विश्लेषण करें और तब निर्णय लें कि कौन सही है और कौन गलत। अब समय आ गया है कि हम ऐसे पाखंडी लोगों का पर्दाफाश करें और उनका विरोध करें।